देखो बहुत गुस्से वाला है। सितेन छोड़ दो ना इसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? हमारे बजीज ने ना मकई बिल्कुल साफ कर दी है। ये देखिए सामने जो पड़ी हुई है ना, ये पहले दानों से भरा हुआ था लेकिन अब ये बिल्कुल खाली हो चुका है। ये देखें, बजीज को बहुत ज़्यादा पसंद है यार मकई, तो आज इनको मकई नहीं मिलेगी क्योंकि आज नहीं मिली यार। हमने पूछा है जहाँ से हम लेते थे लेकिन उन्होंने बोला आज नहीं आई, लिहाजा आज ये सिर्फ दाना वगैरह ही खाएंगे जैसे खा रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब हमारे पास ये टर्की बर्ड आया था ना, ये शुरू में बहुत ज़्यादा शोर करता था, सिप्तान इसकी नकल भी करता था, लेकिन अभी हमारा टर्की बर्ड यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स है, साइलेंट घूमता रहता है। ये देखें, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। और दोस्तों अभी मैं आपको बता दूँ कि सिप्तान पता है कहाँ गया हुआ है? वो ना बहुत ही प्यारा परिंदा उठाने गया हुआ है। वो अब मुझे उसका नाम नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन है बहुत प्यारा। बस उसी का मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से वो आए और हम उस परिंदे को अपने मिनी जू में छोड़ें, तो अभी उसका वेट ही कर रहा हूँ मैं। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, पता है दोस्तों क्या है? वो ये चीज़ है कि हमारे जो रैबिट्स के बच्चे हैं ना, कल यहाँ पर निकले हुए थे, मैंने जूँ ही देखा वो अंदर चले गए। पता नहीं यार ये बाहर क्यों नहीं आ रहे, अच्छे खासे बड़े थे, तकरीबन इतना इतना थे, लेकिन खाना खाने के लिए अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, थोड़ा सा मुंह निकालते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है। आ गया। हाँ ले, उत्तरी खैर, आ जाओ। क्या चीज है? ये यार क्या है यार? का इसका नाम, ये तो काटती है सिप्तान, वाकई में काटती है। ध्यान करना, ये अगर आंख में मार लेना आंख निकल जाएगी। बहुत ही यार नोकदार है इसकी चोंच। इसको क्या करने है यार? इसके पर हैं? पता नहीं क्या सीन है इसका, मुझे पता नहीं इसको बोलते क्या है। मैंने भी यही बोला है सबको कि मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। वो है फ्लेमिंगो नहीं होता जैसे, उस फ्लेमिंगो नहीं है, इसकी टांगें बहुत लंबी हैं। हैं? हाँ। इसको खोल, दरवाजा बंद करो। अच्छा यार देखिए कितना प्यारा परिंदा है। परिंदा है ना ये? हाँ परिंदा है, परिंदा है यार, शायद डायनासोर की नस्ल में से हो। देखो बहुत गुस्से वाला है सिप्तान, छोड़ दो ना इसको, छोड़ दो। तरीके से पहले इसका मुंह बाहर निकालें फिर। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं पकड़ता हूँ, तुम संभालो। ये बड़ा सारा है यार, यार इसकी टांगें बहुत बड़ी हैं सिप्तान। और क्या, चलो वाह माशाल्लाह यार बहुत प्यारा है। और मेरे ख्याल में यार ये है क्या? अच्छा सिप्तान ये वो परिंदा है यार, मोगली कार्टून नहीं लगते थे? हाँ। उसमें एक परिंदा अपने झुंड से बिछड़ जाता था। अभी चेक करते इसके पर है लेकिन थोड़े थोड़े कटे भी हुए हैं। अब क्या करूं? हाँ? नहीं उड़ेगा ना ये, काफी इनकी आदत चलने वाली होती है ना। हाँ, छोड़ दो। ओए कैमरा गया। तो यार हमने ना इसका भी चेक किया कि इसका नाम क्या है, तो मुझे पता चला ये तो कूंज है भाई, इसको कूंज बोलते हैं। हमारे भी निजू में कूंज आ गई है भाई। हाँ, हाँ जी देख लिया हमने। सारे के सारे परिंदे यार ऐसे हो जाते हैं जब नया परिंदा। पक्की बात है, छोड़ रहे हो? एक दो तीन, नीचे गया, नीचे गया। तुम लोग ना डरो यार, कुछ नहीं होता, वो बहुत प्यारा परिंदा है, वो मारना नहीं किसी को, आराम से रहना है। इधर का चार डर रहा है, अभी डर रहा है यार। ये देखो बहुत प्यारा परिंदा है, अकेला है तो। अकेला है तो क्या हुआ, खेलेगा बाकी साथी ये है ना इसके। मोर के साथ जो हाँ, चलो जाओ अभी, चलो जाओ। हाँ ये मिनी जू में प्यारी लगेगी घूमते हुए, क्यूट है यार। उधर नहीं जाओ, उधर ही घोड़ी के पास ना चली जाना, घोड़ी मारेगी तुम्हें, घोड़ी के पास। सही सही, इसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत ही प्यारी लगेगी ये हमारे मिनी जू में। घोड़ी अगर तुमने इसको कुछ कहा ना तो मैं बाहर भेज दूंगा, मैं निकाल दूंगा यहाँ से। हमारी खैर है, जानवरों को कुछ नहीं कहना तुमने, परिंदों को भी। यार अभी तो बेचारी परेशान हो रही है कि अब मैं कहाँ आ गई हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँ। ये तो डर रही होगी ना सारी परिंदों से, सारे परिंदे इससे डर रहे हैं, ये उनसे डर रही है। लेकिन ऐसा ऐसा इनको ना एडजस्ट कर लेंगे, आपस में रहना सीख जाएंगे। इधर इधर से, इधर से दरवाजे से आओ, इधर से आओ। ये घर भी अच्छा तुम्हारा, अगर यहाँ पर रहना चाहो तो रह सकती हो, कोई मसला नहीं, पूरा मिनी जू तुम्हारा है। अब यहाँ पर ये ठीक रहेगी, जितना इधर दाना वगैरह डाल देते हैं इसको और ये खाएगी। अब मैं इसको दाना खाता हूँ। ठीक है ठीक है, ले आओ। ये लो भाई, ये लो पूंछ, ये लो अनाज खाओ, मजे करो, चलो शाबाश। वही अभी से खाने लग गई, नया परिंदा तो डरता है नहीं, ट्राई कर, ट्राई कर। आया है मेरे पास, ये थोड़ी सी रिलैक्स होगी सिप्तान फिर खाएगी। अभी हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर रिलैक्स होने देते हैं। ओके, मुफासा के पास जाते हैं और मुफासा ने आज बहुत बुरी हरकत की है, मुफासा ने इस कार ने, तो मैं बताता हूँ। आ जाओ ऊपर। ओ यार सिप्तान जल्दी,
नीचे चला जाता है, रूम में चला जाता है, डरा देता है सब। ईगल्स को जब से दोस्तों आजाद किया है ना, ये अब ना कभी कहाँ घूम रहे होते हैं, कभी कहाँ घूम रहे होते हैं। ये वाली जो ईगल है ना, ये सुबह ना गली में घूम रही थी, मैंने इसको पकड़ा है। अब ये नीचे था, सिप्तान लेके आया है। हाँ देखा है सिप्तान तुमने? इधर आओ, तुम्हें बताऊं। हट जाओ, इसको खोलो तो नहीं सिप्तान, खोलो नहीं यार। अरे मुझे नहीं कुछ कहना, मैंने अभी ना आया है, मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने भी इसी सोच से ना आया, तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। अच्छा इसकी हरकत तो बताओ तुमने। यार स्कार ने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने किस तरह से सिल्की हैंस को पकड़ा है और कैसे खा गया। यार बहुत ही जालिम है ये। लायंस जो होते हैं ना बहुत बेरहम होते हैं। ये देखें, यहाँ से सारा मास्टर केज को फाड़ दिया और यहाँ से चूजे वगैरह आए और उनको पकड़ के खा गया। हमारे तकरीबन 4 चूजे खा के गए स्कार। बहुत यार दुख हो रहा है मुझे। अब ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ 5 बच गए हैं दोस्तों, सारे के सारे स्कार ने खा लिए हैं। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है यार, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्कार ऐसा भी कर सकता है। वाँ 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 वाँ, स्कार देख रहे हो इसकी हरकतें, देख रहे हो सिद्धान, कभी हमें ना खा जाए। बड़ा होगा यकीनन खा ही लेगा हमें, चोट हमें जख्म लाजमी पहुंचाएगा। ये खाता कि नहीं दिखाओ, खिलाओ। ये लो स्कार, एप्पल खाओ। खा गया एप्पल खा गया। हां मुझे भी खा गया यार, लायंस को ये एप्पल खिला रहा है पागल। ओए ओए हटो, देख रहे हो इसको? हाँ यार मैं भी देख रहा हूँ यार, और ये साइड पे खड़े के देख रही है बस। यार इसको ना दूसरा घास पसंद है, जैसे दरख्त के पत्ते नहीं होते वैसे ना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने अभी ना इसका बंदोबस्त करना है, इसको वो वाले पत्ते वगैरह दे देने हैं। तोड़ के आए फिर इसके लिए? हाँ इसके तोड़ के इसके लिए तोड़ के आते हैं सिप्तान। और ना बाकी एक और बात तुमसे करनी थी, बात ये थी कि मैं चाहता हूँ कि मुफासा को ना स्कार को क्या हुआ? हाँ हाँ बोलो, सही हो गया यार मेरी भी तबीयत सही नहीं है, लेट से अंदर जाके। चलो आजा, बताओ क्या करने, काम करने सारे। यार मैं चाहता हूँ कि मुफासा को ना इधर शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पर सारे परिंदे खा रहे हैं वो। तो यहाँ पे तो जैक बीजी को, जैक और बीजी को मास्टर केज में छोड़ देते हैं, मुफासा को जब तक उसका घर नहीं बनता यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा आइडिया, कल ही काम करते हैं। पक्का? पक्का, डन। चलो यार हम सोच रहे हैं कि हम स्कार को ना इधर शिफ्ट कर दें जैक और बीजी के घर में, और जैक और बीजी को शिफ्ट कर देते हैं मास्टर केज में। अब आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम ऐसा करें या ना करें, क्योंकि यार मुझे थोड़ा सा ये भी शक है कि जैक और बीजी क्या करेंगे, मास्टर केज के सारे पौधे खा जाएंगे। तो ये भी सोचने वाली बात है यार, काफ़ी मेहनत से पौधे लगाए हैं यार। हम कसम से अभी सोच रहे थे कि ना हम बकरी के लिए तोड़ने जाते हैं। बहुत अच्छा किया आपने सिप्तान, बल्कि आप आ जाएं, आ जाएं, अब उठा लिया मैं क्या। चलें चलें, अभी देखिएगा कैसे आएगी इसके पास। चलो भाई चलो खाओ। अच्छा ये भी आ रही है, हमारी वाली भी आ रही है यार, ये भी खा रही है माशाल्लाह। यार इतना ज्यादा कड़वी होते हैं ना ये पत्ते, पता नहीं क्यों इनको यार अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा जहर की तरह होते हैं यार, लेकिन फिर भी ये खा जाते हैं। बाकी कड़वे होते हैं? बाकी कड़वे होते हैं? हाँ बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, खा के देखो है ना। बाकी यार नहीं होता खाने से, बुखार नहीं होता, बुखार नहीं होगा। तुम्हें चक्कर आ रहा था यार, खराब है मैं खा रहा हूँ फिर, पक्की बात है कोई पेट तो नहीं फिर मैं एक खा रहा हूँ, ऐसे खा लो ठीक हो जाएगा बुखार। चलो यार कुछ कर, गड़बड़ निकल जाओ। अच्छा इसको निकल जाओ, ऐसे चबाओ नहीं यार, मैं ना करने लग गया मैं। चलो चलो ओके ओके भाई, ठीक हो जाओगे तुम। यहाँ पर दोस्तों हमारी कूंज ना अब हमें रिलैक्स थोड़ी सी लग रही है, लेकिन फिर भी अब हम आए हैं फिर डरने लगी है। पहले आराम से खड़ी हुई थी, जो ही हम आए हैं फिर डरने लगी है। लेकिन इसका दरवाजा, हाँ इसका दरवाजा खोल दो सिपी, दरवाजा क्या हुआ, कड़वा था ना यार, मैंने बोले ना कड़वे होते हैं, पता नहीं बकरियां कैसे खा जाती हैं सिप्तान। चलो चलो बाहर जाओ यार, इसका एक तो शोर बहुत ज्यादा है, छत तक आ रहा था, छत तक इसका शोर आ रहा था। जैक को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि यहाँ पर आया हुआ है काफी दिनों बाद, नहीं तो ज्यादातर ये इसके नीचे घर बना रहा था वीजी के लिए। शायद इसको अकल आ रही है कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत कम हो गई है, अब मैं अपनी इज्जत बना लेता हूँ, इधर ही रहता हूँ, उसके लिए घर नहीं बनाता, उसकी ये नहीं मान रही वैसे भी। बाकी जैक वीजी तुम लोगों को कल शिफ्ट कर रहे हैं मास्टर केज में, ठीक है, वहां पे भी मजा आएगा तुम लोगों को। चुटकी मुझे यार चुप चुप लग रही है, तो आप देख रहे हो पहले भागती थी लेकिन अभी भी भाग ही रही है। सही है सही है, ऐसे उदास उदास थी शायद, वो कह रही थी मेरे साथ खेलो। बहुत ज्यादा ना इस वजह से यार, यही मसला है और कोई मसला नहीं है। सही है चुटकी, सही है चुटकी, बोला भी करो यार, चुप रहती हो, गुंगी हो क्या, जबान तो है तुम्हारी, बोला भी करो। यार इस कबूतर को ना जख्म हो गया, इसके साथ लड़ाई हुई है किसी मुर्गी वगैरह की, अब इसको हल्दी वगैरह तेल वगैरह लगाया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा अगर दोबारा लड़ाई ना की इसने तो। क्या हुआ इसके, पता नहीं क्यों टेढ़ी है सिप्तान, ये देखो टेढ़ी है, पैदा ही ऐसे हुई हो, टूटी हुई है यार सिप्तान, मेरे ख्याल में टर्की बर्ड्स वगैरह ने कुछ किया है इसको यार, ये तो लंगड़ा के चलेगा।
यार क्या करें यार, ये देखो ये लंगड़ा के चलेगा हमेशा। पीछे फूल देख रहे हो, एक के सर पे हमला किया हुआ, एक के पाँव पे। परिंदे जानवर आपस में लड़ते रहते हैं यार, क्योंकि जगह सेम है ना, तो ऐसे तो छोटा मोटे नुकसान होते रहते हैं, मतलब कि किसी की टांग में मार दिया, किसी के सर पे मार दिया, आपने लड़ाई झगड़ा तो इनका चलता रहता है खाने के ऊपर, पता नहीं क्या क्या। मैं देख के हैरान हो रहा हूँ, इनकी हिम्मत है यार, कैसे खा गए, इतना सा ट्राई किया है उल्टी आ गई है मुझे, ऐसे समझो बहुत हिम्मत है इनकी। यार सिप्तान अब इस कूंज का क्या करें, ये अकेली है, इसके साथी कहाँ से मिलेंगे मुझे बताओ। मंगवाने पड़ेंगे, आ जाएंगे, सिमें लगाना पड़ेगा, मार्केट में तो मैंने कभी नहीं देखा ही नहीं, लेकिन आ जाएंगे। यार हम सोच रहे हैं कि हम ना इसके लिए दोस्त वगैरह भी लेकर आए, क्योंकि ये अकेली है, अकेला या अकेली ये भी नहीं पता मुझे, उस हिसाब से फिर लेके आने पड़ेंगे ना इसके साथी। शक्ल से तो नहीं पता चलता मुझे, नहीं पता मुझे, मेल लग रहा है क्योंकि ऊपर से ना इसके ताज है। अच्छा हाँ चलो देखते हैं यार, पता नहीं अब क्या है, ये मेल है ये फीमेल है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में आपको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। किधर चली गई है वो सामने है। अच्छा सिप हाँ, यार उस बेचारे की टांग देखिए, ठीक हो सकती है, नहीं होगी मारने वाली मुर्गी, ये तो मारते हैं, छोड़ो छोड़ो।